नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत यूज़फुल टिप्स है और जो हमारे बहुत काम आने वाला है और जो हमारे किचन को रखेगा बहुत क्लीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो हमारे पास तो ऐसे सॉक्स, एक्स्ट्रा सॉक्स रहता ही है जो ख़राब हो जाता है, तो उसको हम फेंक देते, लेकिन आज से हम फेंकेंगे नहीं, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे छतरी गर्मी के टाइम और बारिश के टाइम बहुत यूज़ होता है और बाकी टाइम हम लोग क्या करते, किधर भी रख देते। इसके वजह से छतरी का कपड़ा जो होता है बहुत ख़राब हो जाता है, होल हो जाता है, उसका कलर फेक हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि छतरी नया जब भी ख़रीदते हैं तो उसका भी कवर रहता है, लेकिन कवर गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्लास्टिक फट जाता है। इसके लिए हम जब भी सॉक्स को क्या करेंगे, आधा कट लिया और इसको अच्छे से ढक देंगे। ढकने के बाद एक रबर बैंड यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सॉक्स ख़राब रहता है, नया सॉक्स नहीं रहता है, इसके वजह से इस एक रबर बैंड लगा देंगे। तो अभी हम इस छतरी को हम किधर भी रखेंगे, लेकिन इस छतरी का जो कवर है होल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। सेकेंड टिप्स फ्रेंड्स यही है, जब भी हम कुछ खाने का चीज़ लेके आते तो ऐसे देखिए गांठ मार के रख देते, जो एक्स्ट्रा रहता है तो उसको हम गांठ मार के रख देते, फ्रिज में हो चाहे किधर भी हो। लेकिन कभी कभी उसके अंदर हवा घुस जाता है, कभी कभी कीड़ा भी घुस जाता है। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, जो ये 10 वाला बिस्लेरी का बॉटल रहता है, 10 वाला हो, 20 वाला हो, जो भी हो, जो भी पीने का पानी का जो बॉटल रहता है, उसका हम ऊपर का पोर्शन काट कर लेंगे। काटने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो इसका टुकड़ा ऊपर का टुकड़ा निकल के आएगा, इसको हम कुछ लिक्विड चीज़ भी निकालने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हम थैली में जो खाने का चीज़ एक्स्ट्रा रखते हैं भर के, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो देखिए वीडियो कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यूज़ करके भी दिखाएंगे कुछ सामान निकालने के टाइम कितना इजी भी पड़ता है, इसके अंदर हवा भी नहीं घुसता है और कीड़ा भी नहीं। तो ये टिप्स आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड टिप्स फ्रेंड्स यही है कि मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर 1.5 चम्मच नमक लिया और विनीगर भी 1-3 कप यूज़ किया, कि 1 कप मैंने विनीगर लिया, लेकिन विनीगर का वीडियो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, इसके वजह से दिखा नहीं पाया। और 1.5 चम्मच मैंने डिश वॉश लिया। तो तीनों को अच्छे से ले लिया फ्रेंड्स, लेके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स एक स्प्रे बॉटल लिया और जितना मैंने विनीगर यूज़ किया था उतना ही पानी लिया बॉटल के अंदर, सिर्फ सादा पानी है, उसके अंदर जो एक मिक्स बनाया था ये लिक्विड मैं डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छे से झाँकूँगी। झाँकने के बाद फ्रेंड्स इसका अच्छे से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस स्प्रे से मैं कितना कुछ, इस लिक्विड जो बनाया इससे मैं कितना कुछ साफ़ कर सकती हूँ। पहले तो मैं किचन का जो ओवन है उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद जो किचन के पीछे जो हम लोग जो दीवार है उसको भी साफ़ करूँगी और नीचे का जो फ्लोर है उसको भी साफ़ करूँगी। और इसके ये जो लिक्विड बनाया फ्रेंड्स, इसके इससे हम फ्रिज को भी साफ़ कर सकते, क्योंकि बहुत रामबान है, बहुत काम का है, हम किधर भी साफ़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से साफ भी होता है और एक खुशबू भी, बहुत स्मेल बहुत सुंदर रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा पूरा किचन कितना सुंदर हो गया, थोड़ा सा टिप्स और थोड़ा सा हैक्स यूज़ किया फ्रेंड्स।